आज IBN न्यूज़ नेटवर्क की टीम गुजरात राजकोट में पहुंची हुई है। आज हम बात करेंगे राजकोट के एक ऐसी शख्सियत से जो एक अच्छे राजनेता के भी रूप में इनकी बहुत अच्छी छाप पड़ी है राजकोट पर, साथ साथ एक समाज सेवी के रूप में भी। लेकिन वर्तमान की स्थिति में ये किसी भी पार्टी में नहीं है, फिर भी एक राजकोट का, समाज का, पूरे तबके का बहुत ही अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए हम आज मिलते हैं मिस्टर इंद्रजील राजगुरु से। इंद्रजील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBN न्यूज़ नेटवर्क में। सबसे पहले तो मैं इंद्रजील जी ये पूछना चाहूँगा कि ये राजनीति में आप बहुत ज़्यादा सक्रिय थे, ये अचानक से क्या हुआ कि आपने राजनीति से इतनी दूरी बना ली? 2012 में मैं MLA बना था, ये सोच के साथ के चलो कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पहुँचे तो कुछ कर पाएंगे। लेकिन वहाँ देखा कि हर पक्ष सत्ता तक पहुँचने में और कैसे मालिक को यानी के लोगों को किस तरह से सबसे अच्छी तरह मूर्ख बनाया जाए और मत ले लिया जाए, और बाद में हो सके उतना करने का, बाकी सामने वाले पक्ष से हम बेहतर हैं। वो दोनों पक्ष ये भी जानते हैं, गुजरात में वैसे दो ही है, दोनों जानते हैं कि हमको अच्छा तो कोई नहीं मानता, लेकिन कम बुरा कौन है उसकी हरीफाई लगी हुई, लोगों की काम करके मत लेने की जो दौड़ होनी चाहिए वो नहीं है, और लोकशाही में ये होना चाहिए। कहीं ना कहीं लोगों का भी इसमें कोई इशू है कि भाई लोग भी नहीं समझ रहे, लोग क्या करना चाहिए उसका सोच भी नहीं कर रहे। दोनों पक्ष ही क्यों, कोई अपक्ष में भी अच्छा आदमी खड़ा हो तो उसको क्यों मत नहीं देना चाहिए, वो भी नहीं सोचते हैं। बहुमत कांग्रेस की या भाजपा की जरूरी नहीं है, लोगों के लिए बहुमत विधानसभा हो या लोकसभा हो, अच्छे लोगों की बहुमत हो, चाहे किसी भी पक्ष में से हो या अपक्ष हो, और जो गलत लोग हैं उनकी लघुमती हो, ये ज़रूरी होता है। तो ये सोच के, ये अगर मुझे बात करनी है तो मैं कांग्रेस में रह कर नहीं कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं विधानसभा को 5 साल देखने के बाद मुझे लगा, और वहाँ मैंने सभा में भी बोला था कि आप लोग तो कोई सुधार नहीं लाओगे, मैं समझ रहा हूँ इधर मेरा बोलने का कोई वो व्यर्थ मेरी बात है यहाँ रहती है, तो मैंने बोला कि हम मालिक को जाके जगाएंगे, आप मैनेजरों को कैसे ठीक करें उसकी सोच उनको देंगे, और वही काम लोकशाही में लोक जागरण का कर रहा हूँ। इंद्रजील साहब, जसदण एक बाईपोल जो होने वाली बहुप्रतीक्षित बाईपोल है, इसमें आपके पता है कि भाजपा से तो बहुत ही बड़े उम्मीदवार जो कि कांग्रेस में बहुत दिनों सेवा के बाद पहुँचे, एक मिनिस्टर भी बन गए, 3 ओहदे भी दे गए बावड़िया साहब को, कांग्रेस ने उनके विपक्ष में नाकिया साहब को टिकट दिया है, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो वहाँ लोकशाही में लोक जागरण की बात करने जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता तो नहीं है कि कोई उम्मीदवार के लायक है उधर अपक्ष में के उनको मत दे लोग, ऐसा तो कोई है नहीं। तो मैं नोटा का भी उपयोग करने का मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो नोटा का उपयोग करो, ज़्यादा वोट्स उधर हो जाएंगे तो अपने आप सब उम्मीदवार को बदलना पड़ेगा, और अगर वो भी नहीं करना है और आपको पार्टी को ही देना है तो जहाँ तक मैं दोनों को जानता हूँ तो अवचर नाकिया वो कम से कम बिन भ्रष्ट आदमी है, और कुंवर जी भाई बिल्कुल एक भ्रष्ट आदमी है, मैं उनको जानता हूँ, भोला भाला सा चेहरा रखते हैं लेकिन दिमाग इतना शातिर है और भ्रष्ट भी है, तो ये बोलना चाहिए, तो इसलिए मैं बोलता हूँ, लोगों को कहता हूँ वो क्या मानते हैं क्या करते हैं वो छोड़ के आओ। लेकिन मैंने देखा है कि कुंवर जी भाई के सामने सबको परेशानी आम लोगों में बहुत है, तो मुझे लगता है कि कुछ उल्टा भी रिजल्ट आ सकता है। देखिए, अब मूल रूप से इंद्रगिल राजगुरु जी राजकोट के ही हैं, लेकिन इनकी बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ इनका अभी भी झुकाव दिख रहा है, और नाके साहब को ये अच्छा बता रहे हैं। फिर भी इंद्रगिल गुरु जी, एक मैं पूछना चाहूँगा, नाके साहब का क्या समाज के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में कुछ योगदान रहा है कंपेरिजन टू कंवड़िया साहब? हाँ, मैंने इसीलिए बहुत स्पष्ट रूप से बोला
कि वो बिन भ्रष्ट आदमी रहा है अपने जो भी जीवन में, वो जिला पंचायत का उपप्रमुख रहे हैं, वो तालुका पंचायत में थे, तो वहाँ कम से कम बिन भ्रष्ट रहे, वो नहीं रहे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप जैसे बोल रहे हैं कि झुकाव कांग्रेस की तरफ, पहली बात मेरी ये है कि अच्छे आदमी को मत दो, चाहे कोई किसी भी पक्ष से हो या अपक्ष हो। मेरी दूसरी बात ये है, अगर आपको दो में से एक ही पक्ष पसंद करना हो तो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस बेहतरीन है भाजपा से, क्योंकि वो उलझी हुए हैं अपनी परेशानी से, वो लोगों को ज़्यादा उलझाती नहीं है, वो लोगों को लोगों के बीच में झूठ बोलना उनका संस्कार नहीं है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भ्रष्टाचार और कौभांड के रूप में, मुझे मालूम नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, उसके रूप में जो बाहर आ रहा है, चाहे वो राफेल का हो या गुजरात में अभी जो बेरोजगारों की जो परीक्षाएं थी उसमें भी पेपर का यहाँ वहाँ हुआ, हर जगह पे होता है, छोटी सी छोटी चीज़ में भी होता है, चाहे वो मूंगफली लेने की बात हो और उसमें भ्रष्टाचार निकल आता है, सब जगह पे ऐसा ही चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बराबर नहीं रहा है गुजरात में इतने साल से, तो वो लोग फेलियर है, समझ तो नहीं है कैसे वहीवट किया जाए देश का, राज्य का, लेकिन साथ में इतने स्वार्थ में डूबे हुए हैं, इतनी सौदाबाजी में डूबे हुए हैं वोट्स की और पैसों की के बेहाल करके रखा है पूरे गुजरात को। राजगुरु जी, जसदण में 18 दिनों से हमारी टीम आईबी न्यूज़ नेटवर्क एक सर्वे कर रही है, लोगों से पूछ रहे हैं, लेकिन एक बेहद ही अजूबा सवाल भी उसे बोल सकते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं जसदण में। बाई इलेक्शन में मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई भी पार्टी का कोई भी सीनियर लीडर आता नहीं है, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तब वो आते हैं, ऐसा मैंने देखा है। सर्वे में जो आईबीएन न्यूज़ नेटवर्क की सर्वे है उसमें राहुल गांधी को बहुत ही चौंकाने वाले चीज़ें आई कि लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जसदण में आएँ। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जसदण में कांग्रेस पार्टी को लोग पसंद करते हैं न कि किसी उम्मीदवार को, ये काफ़ी सर्वे में हमारे आया है। और राजगुरु जी, अगर आपने मान लीजिए राजनीति से दूरी बना ली, समाज को अभी आप एक समाज के रूप में, समाजसेवी के रूप में क्या कर रहे हैं राजकोट के लिए? देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों में जो कार्यकर्ता आता है वो यही समाज से आता है, जहाँ समाज में एक रिवाज है कि अपने हाथ में जो भी आया खाना वो अपने ही मुंह में डालने का, किसी और का सोचने का नहीं, किसी और को कितना भी नुकसान जाए। और इसकी वजह से चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, उसका कोई कार्यकर्ता या उसका कोई भी व्यक्ति कभी बोलता ही नहीं है, और बोलता है तो अपना सौदा करने के लिए बोलता है। तो कम से कम मैंने सोचा है कि मैं जो लोगों के लिए सच बात होगी वो मैं उजागर करूंगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के सामने हो चाहे वो विपक्ष के सामने की बात हो, तो उसको उजागर करूंगा। और सबसे बड़ी मुझे ये बात लगती है कि लोकशाही में लोक जागरण की मेरी जो बात है, तो ये लोग कहाँ से आते हैं, हमारी पूरी व्यवस्था टूट गई है, तो मैं यही समझाता हूँ कि हमारी समाज की व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी हम सब की है, और उसको डिटेल में मैं समझाता हूँ, और मेरे ख्याल से वो कभी ना कभी एक वटवृक्ष वृक्ष बनेगी, लोग उस तरफ सोचेंगे, क्योंकि सबका मानना है कि क्या करें, हमको भी पसंद नहीं, क्या करें, तो उसका छोटा सा तरीका और इलाज जो छोटी छोटी बातों में होता है वो करने से आ सकता है। वो मैं बात जो लोकशाही में बता रहा हूँ, लोक जागरण में, मुझे वो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से समाज सेवा होगी। राजगुरु जी, एक पर्सनल क्वेश्चन होगा आपसे, मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है? आपने एक चीज़ बहुत अच्छी की पिछले इलेक्शन में, जब आप रूपानी जी के खिलाफ लड़े थे, गुजरात कांग्रेस में बहुत ऐसे कम लीडर हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को घोषित किया नॉमिनेशन में,
आपने वो नॉमिनेशन में अपनी संपत्ति घोषित की और मोदी जी के मंत्रिमंडल में यहाँ तक उन्होंने आईएएस ऑफिसरों को आईपीएस ऑफिसर्स को भी अपनी संपत्ति या अपनी पार्टी विधायकों को भी संपत्ति घोषणा करने की पूरी तरह से एक तरह से ऑर्डर दे रखी है। आपने अपनी संपत्ति जो घोषित की वो किस आधार पर किया, वो आपकी इंटरनल फीलिंग थी या आपने कुछ सोच कर किया? देखिए कम से कम झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। पॉलिटिक्स मेरे लिए कुछ बनने के लिए या समाज में एक मर्तबा के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षा दे करके खड़े रहते हैं, कोई देता है वो खा के उसको अच्छी सलाह देता है और चल पड़ते हैं, तो उसकी जगह पे मुझे समाज ने इतना दे दिया है कि कुछ बाकी नहीं रखा है। तो मेरे लिए पॉलिटिक्स भी वो टाइम भी और आज भी एक सेवा के रूप में थी, और तो उसमें झूठ क्यों बोलना मुझे, तो मैंने जो भी है मेरे सच बताया हुआ है। इंद्रगिल राजगुरु जबकि एक बोलेंगे शक्ति स्तंभ की तरह उभर रहे हैं ये गुजरात की राजनीति में, यहाँ तक जसदन का बाईपोल हो चाहे वो गुजरात की जनता हो, इनको काफ़ी प्यार करती है यहाँ की जनता और हम अपने चैनल शो या लोगों से ये महसूस करते हैं ये, और हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी तरह से एक इसी तरह की ये शुद्ध राजनीति तो न करें लेकिन एक मूल रूप से किसी भी पार्टी को खड़ा करें, क्योंकि इनको समाज बहुत चाहती है और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। राजगुरु जी हमारे चैनल में इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।